नमस्कार दोस्तों, मैं एआर खान, स्वागत है आपको एआर इन्फो वर्ल्ड पे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की लीगल कंपनी, क्या आप जानते हैं लीगल कंपनी क्या होते हैं? कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन के तहत लिस्ट में जितने भी कंपनीज का नाम है, क्या ये सारे लीगल है? क्या ये लिस्टेड कंपनी कभी बंद नहीं होंगे, इसका कोई गारंटी है? और जो कंपनी का नाम इस लिस्ट में नहीं है वो बंद हो जाएंगे? आज के इस वीडियो में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, इससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, पहले ये बात जान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी लीगल या इलीगल नहीं होते है। कुछ कंपनी को आप भरोसेमंद कह सकते है, रिस्क फ्री कह सकते है, और कुछ कंपनी 100% रिस्की ही होते है। अब आप कहेंगे कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई जो लिस्ट है, यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स की अप्रूवल कंपनी जो लिस्ट है, वो सारे लीगल है। दोस्तों, ये कंपनी कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन के तहत काम करते हैं, यानी कि ये सारे कंपनीज ने सरकार को डिक्लेरेशन सबमिट किए हैं। पहले आपको जानना है कि हजारों कंपनियों में से ये 300 कंपनी की ही नाम क्यों इस लिस्ट में है। सरकार सभी कंपनी से ये डिक्लेरेशन मांगते है। इस डिक्लेरेशन में पहला ये मांगते है कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, डायरेक्टर्स की मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारे सबमिट कीजिए। दूसरी, कंपनी किस प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में काम करते हैं, इसका डिटेल्स दीजिए। तीसरी, कंपनी का मार्केटिंग प्लान यानी कि बिजनेस प्लान क्या है, इसका डिटेल्स दीजिए। और ये भी बताइए कि कंज्यूमर्स की कंप्लेन सुनने के लिए कंपनी में नोडल ऑफिसर्स कितने हैं। यही डिक्लेरेशन कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को सबमिट करते हैं अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जिनका एक्सेप्ट हो जाते हैं उनका नाम इस लिस्ट में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इन सारे कंपनियों को लीगल का स्टाम्प दे दिए, इसका मतलब ये है कि ये सारी कंपनी गवर्नमेंट के सामने ट्रांसपेरेंट है। इन कंपनीज में आप काम करेंगे तो आपका लाइबिलिटीज नहीं रहेंगे, कंपनी बंद नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, अगर बंद भी हो जाते है तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको आपके निवेश के अगेंस्ट में प्रोडक्ट्स या सर्विसेस मिल जाते है। हाँ, आपका नुकसान हो सकते है, आपका पे आउट बंद हो जाएंगे, आपकी कमाई रुक जाएंगी, पर ऐसी कंपनी के साथ ऐसा बहुत कम ही होते हैं। एक या दो कंपनी ही ऐसी है जो कंज्यूमर अफेयर्स के लिस्ट में होते हुए भी बंद पड़े हैं। तो दोस्तों, ये भ्रम में ना रहिए कि कंपनी बंद नहीं हो सकते, 40-50 साल पुरानी कंपनी भी बंद होने का उदाहरण है। सरकार ने ये सुविधा कर दी है कि आप मिनिमम रिस्क पे काम कर सकते हो, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अगर उस कंपनी के नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन एक बार जरूर पढ़िए। अगर आपकी कंपनी इस गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे है तो चिंता की बात नहीं, शायद कंज्यूमर अफेयर्स की अगले लिस्ट में इस कंपनी का नाम आ जाए। और अगर कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत काम नहीं कर रहे है तो रिस्की है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लान की बात किया जाए तो स्पेशली आरओआई प्लान, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो क्रिप्टो के नाम से हो या किसी और के नाम से हो, बाइक, टैक्सी, गोल्ड, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी कॉन्सेप्ट हो, इन सभी प्लान में आप नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के तौर पे काम नहीं कर सकते, ये सभी रिस्की है। मैं अपने कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आप ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही कीजिए जितने का आप रिस्क ले सकते हैं, और ये आप भी समझते हैं। फिर भी कुछ लोग बैंक लोन लेके ऐसे प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। मुझे याद है, एक साल पहले एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने मुझे पूछा ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कि मेरे पास 22 लाख रुपए है, क्या इस प्लान में निवेश करना सही रहेगा। मैंने कहा कि आप अगर 22 लाख की रिस्क ले सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, इनको अगर मैं मना करता तो किसी और से पूछता, सिर्फ रिस्क क्यों है ये मैंने समझाया और उनको समझ में आ भी गए, और फिर 3 महीना बाद ये कंपनी डूब गए। उन्होंने फोन पे मुझे थैंक्स कहा। दोस्तों, हम यूट्यूबर्स से एक ही प्रॉब्लम है, हमारी इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कुछ फायदा होते हैं तो आप भूल जाते हैं, एक लाइक या कमेंट भी नहीं देते हैं, और अगर थोड़ी सी नुकसान हो जाते हैं तो आप बहुत याद करते हो, जबकि रिस्क है ये बोलते हैं हम। दोस्तों, अब याद रखिएगा कि आरओआई प्लान इंडिया में बैन है, इसके अगेंस्ट में एक ऑर्डिनेंस जारी हुए है, आरओआई प्लान से दूर ही रहिए। दोस्तों, एक बार फिर कहता हूँ कि दुनिया बदल चुके है, बदलती हुई दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में अलग अलग कॉन्सेप्ट आते ही रहेंगे, ज्यादा लालच में मत पड़िए, पर किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले खुद से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा।
तो आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।